लेकिन अब जब भी कश्मीर का नाम जहन में आता है तो हमारे दिमाग में एक नेगेटिव भावना ही जन्म लेती है। इसे हम बारूद की धरती के रूप में मानने लगे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसी बारूद की धरती से केसर की खुशबू भी आती है। हमारे देश के जर्रे जर्रे में संचार होता है, चाहे वो कश्मीर की खाटी हो या गुजरात का कच्छ। ऐसा ही एक प्रतिभा पनपी है कश्मीर के अनंतनाग में, जहाँ एक बच्चे की आप भी कहेंगे बारूद की धरती पर केसर की खुशबू है। ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर प्रतिभाओं की भूमि है और इसके बच्चे एक बेहतर कल की आशा की किरण है। उन्होंने सभी बाधाओं के खिलाफ खड़े होने और एक शानदार भविष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए असाधारण इच्छा शक्ति दिखाई है। उन प्रतिभाशाली लोगों में से एक है नासिर अहमद, जो कि दूर दराज के इलाके राखी ब्राह्मा रानीपुरा का रहने वाला है, जिसे मशीनें बनाने का शौक है। मशीनों के साथ अपने विशेष प्रेम के साथ अनंतनाग के इस किशोर ने एक एक कदम आगे बढ़ाया है और बुलडोजर को डिजाइन किया। एक बुलडोजर के सामान मॉडल का ब्लूप्रिंट तैयार किया। मशीन में कच्चे माल के तैयार पर लकड़ी, सिरिंज, कुछ लोहे के पत्थर और एक जेसीबी का छोटा रूप तैयार। नासिर के इस छोटी सी कोशिश से सभी लोग आश्चर्यचकित हैं। नासिर अहमद चौहान एक 16 साल का लड़का है जो 10वीं कक्षा का छात्र है, जो अनंतनाग के सीमान जिले से आता है। गवर्नमेंट हाई स्कूल रानीपुरा अनंतनाग में पढ़ाई करता है और एक मजदूर का बेटा है। नासिर का परिवार गरीबी रेखा के नीचे आता है। पिछले 3 वर्षों में नासिर के शैक्षणिक ग्रेड में जबरदस्त गिरावट आने लगी। जब उनके शिक्षकों से पूछताछ की गई तो पता चला कि मशीनों के प्रति उसकी बढ़ती दिलचस्पी घटते ग्रेड के पीछे का कारण थी। परिजनों के मुताबिक नासिर हमेशा स्क्रैप इकट्ठा करने में व्यस्त रहता था। ज्यादातर समय स्टील, लोहा, प्लास्टिक, बोल्ट और अन्य चीजों के टुकड़े एकत्र करते देखा जा सकता था। परिजनों का कहना था कि लड़का कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ समय की बर्बादी कर रहा था। परिवार के एक सदस्य का कहना है वो पिछले कई वर्षों से यही काम कर रहा था, लेकिन वो समझने में असमर्थ थे कि इन कठिन कामों को करने में उसका अंतिम उद्देश्य क्या है। दिलचस्प है कि नासिर ने वर्षों से इकट्ठा किए सभी स्क्रैप सामग्री का उपयोग करके बुलडोजर का मॉडल तैयार किया और इनमें शामिल है ग्लूकोज की बोतल के पाइप, डिस्पोजेबल सिरिंज, टीन और लकड़ी के टुकड़े। इन सामान की सहायता से नासिर ने एक बड़े प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया। कश्मीर में हुनर की कोई कमी नहीं है। कोई भी फील्ड हो, कश्मीर के नौजवान हर किसी फील्ड में अपना लोहा मनवाते हैं, चाहे बात हो वो पढ़ाई के मैदान की या दूसरे सलाहियतों की। अपनी सलाहियतों को बरायो कार लाके कश्मीर के नौजवान हर किसी फील्ड में अपने हुनर का फन दिखाते हैं और अपने जम्मू कश्मीर के साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन करते हैं। इसी कड़ी के तहत आज हम यहाँ रानीपुरा अनंतनाग में मौजूद है, जहाँ पे एक नौजवान ने एक बुलडोजर का मॉडल तैयार किया है और एक गाड़ी का नमूना भी बनाया है, जो बिल्कुल छोटी है दिखने में, लेकिन उसने वो अपने रॉ मटेरियल जमा करके अपने घर में ही बनाई है। और कैसे उसको ये शौक पैदा हुआ उससे जानेंगे उनसे बात करके, और उनसे पूछेंगे कि ये जो सलाहियत है उनको, ये हुनर जो है किस तरह पैदा हुआ उनमें, उनसे बात करके। जी पहले अपना नाम बताओ और ये बताओ कि ये जो आपने बुलडोजर का नमूना बनाया है, ये जो गाड़ी बनाई है, तो कैसे शौक हुआ पैदा आपको और कब से इस काम में आप लगे? जी मेरा नाम नासिर अहमद चौहान है। तो जब कोविड-19 की वजह से लोग घरों में बंद थे और स्कूल भी बंद थे, सारा सिस्टम बंद हो गया था, तो हम बेकार बैठे थे। तो हमने सोचा कि हम कुछ बनाएं, कुछ अच्छा करें जिससे हमारा देश का नाम रोशन हो जाए। तो तब मैंने एक जेसीबी और एक गाड़ी बनाई। तो आगे भी मैं बहुत कुछ बनाना चाहूँगा, तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारी तरफ तवज्जो दी। तो ये जो आपने ये मॉडल तैयार किया, चाहे बुलडोजर की बात करेंगे हम या गाड़ी की, तो उसके लिए कौन सा एल्फी जो वगैरह होता, तो वो शीशा होता था वो हमने। अनंतनाग के एक छोटे से गांव का लड़का जो मुश्किली में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, लेकिन उसने कश्मीर में मशीन क्रांति का बिगुल फूका। आज हर कोई इसकी कोशिशों और प्रयास का दीवाना हो गया है। नासिर की माँ कहती है कि पूरा परिवार उसे स्क्रैप इकट्ठा करने की आदत छोड़ने का दबाव बना रहा था। उसके पास कोई योजना नहीं थी, ना ही था, लेकिन उसने धूल में फूल खिला दिया। उसके प्रोजेक्ट्स को कई बार नष्ट किया गया। उसके शिक्षक उसे बेकार स्टूडेंट मान चुके थे, लेकिन आज वही उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर में टैलेंट जो है कूट कूट के भरा हुआ है नौजवानों में, चाहे कोई भी हुनर हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। अब बात सिर्फ इस अमर की है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर ऐसे लड़कों का हुनर बाहर लाने के लिए इकदाम उठाए, इनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे ताकि ये भी अपना लोहा मनवाने में
पीछे न रहे और अपना नाम और अपने साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम पूरे देश में रोशन कर सके। नेटवर्क 10 के लिए कैमरा पर्सन हिलाल भट्ट के साथ आरिफ रशीद, अनंतनाग। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर